बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ अलतगिन एंड वाचिंग फॉर यू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर हामी। आज हम लोग आपको ले के आए हैं DHA 5 में। यहाँ पर एक कनाल का प्रोजेक्ट है जिसकी फिटिंग करने वाले हैं और उसी के रिलेटेड आज की वीडियो है। बाकी आप देख सकते हैं ये टोटल हम लोगों ने अपना सरिये के जो है वो जाल बिछा दिए हुए हैं। जितनी भी इसकी RCC वॉल्स थी टोटल वो सारी की सारी बना दी गई हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये स्टेप फिटिंग में हम लोग जो जाल बिछाते हैं वो किस किस साइड पर बिछाते हैं, तो स्टेप फिटिंग में असल में हम लोग जहाँ पे हमारी नौंश की दीवार आती है, यानी जो हमारी नौंश की दीवार आएगी उस जगह पे हम लोग अपनी जो है वो सरिये का जो जाल है वो एज़ अ ड्राइंग के हिसाब से बिछा देते हैं। और सेकेंडली जहाँ पर हमारी ये 4 फुट की चुनाई आती है, यानी हमारी 4.5 इंच वाली दीवार आती है, वहाँ पर हम लोग अमूमन सिर्फ़ और सिर्फ कंक्रीट करते हैं। जैसा कि ड्राइंग में ये चीज़ें सारी की सारी गिवन की जाती हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल जहाँ भी शटरिंग लगा रहे हैं ये भी हिस्सा जो है टोटली 4.5 इंच वाला दीवार है। यहाँ पे बाथरूम्स आएंगे, बाथरूम और ड्रेसिंग जो है इस ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी जो है कंक्रीट का ही बेड होगा। इसके अलावा अगर हम लोग आगे फ्रंट पर देखते हैं ये साइड पर, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर 9 इंच की दीवार है वहाँ पर जो है वो फुटिंग की गई है, वहाँ पे हम लोगों को सरिया बिछा दिया गया। और अगर आप देख सकते हैं इस साइड पर, तो यहाँ पे नहीं बिछाया गया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 4.5 इंच की दीवार है। स्टेप फुटिंग में हम लोग टोटली उस जगह पे जाल बिछाते हैं सरिये का जहाँ पर हमारी 9 इंच की दीवार हो। बाकी इसकी RCC वॉल्स थी सारी की सारी बैक साइड्स पर सब। तो ये टोटली दीवार RCC वॉल्स थी। तो ये थी हमारी आज के स्टेप फुटिंग के स्टेप फुटिंग जहाँ जब हम लोग करते हैं तो उसके रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।